दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें जय माता दी, ताकि माता रानी के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए। दोस्तों माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर से बनता है। क्या हुआ जब पाकिस्तान में माँ दुर्गा के एक सच्चे भक्त के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों ये सच्ची घटना हमें भेजी है पाकिस्तान के रहने वाले महेंद्र सिंह जी ने। महेंद्र जी जो कि पाकिस्तान के हरनिया में रहने वाले हैं, वो बताते हैं कि किस तरह उस दिन स्वयं माँ दुर्गा ने उन्हें दर्शन देकर उन्हें एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से बचाकर उनके प्राणों की रक्षा करी। महेंद्र जी माँ दुर्गा के अनन्य भक्त हैं और प्रतिदिन माँ दुर्गा के दुर्गा अष्टमी का पाठ कर अपने दिन की वो शुरुआत करते हैं। उनका मानना है कि आज वो जो कुछ भी हैं, तो सिर्फ और सिर्फ माँ दुर्गा के आशीर्वाद से। बात करें उनके परिवार की, तो परिवार में भी माँ दुर्गा की कृपा से हमेशा खुशहाली बनी रहती है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उनके परिवार पर आने वाला हर संकट पल भर में दूर हो जाता है। ये बात सन 2012 की है, जब माँ दुर्गा के नवरात्रे के व्रत चल रहे थे। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने माँ दुर्गा के 9 दिनों में उपवास रखे हुए थे। पाकिस्तान के जिस गांव में वो रह रहे थे, वहाँ आसपास कोई भी मंदिर स्थित नहीं था, जिस कारण उन्हें माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए करीबन 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। उनके लिए हर रोज मंदिर जाना तो मुमकिन नहीं था। जिस दिन उनकी ड्यूटी की छुट्टी होती थी, उस दिन वो अपनी पत्नी के साथ मंदिर जाने का निर्णय लेते थे। दोस्तों माँ दुर्गा का ये मंदिर करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर था और इस रास्ते में बहुत ही घनघोर जंगल भी आता था, जहाँ काफी खतरनाक जंगली जानवर रहते थे, जिस कारण मन में डर तो था मगर माँ दुर्गा के प्रति विश्वास भी था। उन्हें यकीन था कि माँ दुर्गा कभी भी अपने दरबार में आ रहे भक्तों पर किसी भी बड़ी मुसीबत को आने नहीं देगी और इसी विश्वास के साथ वो अपनी पत्नी के साथ माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। यहाँ से माँ दुर्गा के मंदिर पैदल जाना लगभग नामुमकिन था, इसीलिए उन्होंने मोटरसाइकिल से जाना सबसे बेहतर समझा। वो और उनकी पत्नी मोटरसाइकिल से मंदिर के लिए निकल पड़े। मंदिर में माँ के दर्शन करने के बाद जब वो घनघोर जंगल से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें खूंखार आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा जैसे कोई बेहद बड़ा जंगली जानवर उनका पीछा कर रहा है। ये सुनकर वो काफी डर गए। डर के मारे उनकी धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई। तभी उस घनघोर जंगल के बीच एक खूंखार शेर बाहर निकल कर आता है और काफी तेज गति से उनकी तरफ भागने लगता है। ये नजारा देखकर कुछ पल के लिए तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि जिस गति से वो शेर उनकी तरफ जा रहा था, उसे देखकर उन्हें यकीन हो गया था कि ये शेर अब किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं छोड़ने वाला। उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि ना ही वो कहीं भाग सकते हैं और ना ही वहाँ रुक सकते हैं, क्योंकि अगर वो वहाँ से भाग जाते हैं तो शेर उनका पीछा कर उनकी जान ले लेगा, उन्हें अपना शिकार बना लेगा। और वहीं अगर वो वहाँ रुकते हैं तब तो शेर उन्हें अपना शिकार बना ही लेगा। ऐसी परिस्थिति में अब वो आ चुके थे कि उन्हें कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि अब इस मुसीबत से वो कैसे अपने आप को बचाएंगे, वो इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाएंगे और अपने आप को वो मौत के बहुत करीब पा रहे थे। लगातार मौत उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। इस स्थिति को देखकर जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया, तो उन्होंने मन ही मन माँ दुर्गा का जाप करना शुरू कर दिया और माँ से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा कि माँ आपकी कृपा अगर रही तो आज हम बच जाएंगे, आप अपना चमत्कार दिखाइए और हमें बचा लीजिए। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि वहां खड़े सभी लोगों को हैरान कर दिया। दोस्तों कुछ ही पल हुए कि वहां वन विभाग की टीम भी आ पहुंची और उस खूंखार शेर से हमें बचा लिया।
अगर कुछ पल की भी देरी होती तो वो खूंखार शेर हमें जान से खत्म कर देता। जब हमने वन विभाग की टीम से पूछा कि उन्हें हमारे बारे में, हमारी मुसीबत के बारे में कैसे पता चला, तो वो कहते हैं कि वो अक्सर जंगल से आते जाते रहते हैं, मगर आज वो जंगल का रास्ता भटक गए। यहाँ पहुँचने के बाद जब उन्होंने हमें देखा तो वो हमारी मदद के लिए वापस दौड़े चले आए। दोस्तों, हो ना हो, ये माँ दुर्गा का ही चमत्कार था। आपको क्या लगता है, आपके इस बारे में क्या विचार हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। माँ दुर्गा के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।